दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर इन डेटाबेस डेवलपर। डेटाबेस डेवलपर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, करियर ग्रोथ क्या होता है डेटाबेस डेवलपर, और एज ए डेटाबेस डेवलपर कितनी सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 5 ईयर का में पैकेज में क्या सैलरी प्रोवाइड होती है, कौन कौन सी कंपनी डेटाबेस डेवलपर हायर करती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करूंगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेसिकली डेटाबेस डेवलपर, जैसे कि आप नाम से पता सुन सकते हैं कि डेटाबेस डेवलपर, तो जो भी डेटाबेस पे काम करता है, कोई भी डेटा को लोड करना, डेटा को एक्सपोर्ट करना, या डेटाबेस में कोई भी टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन, टेबल क्रिएट करना, डेटा मॉडलिंग करना, मीन्स टेबल में रिलेशन बिल्ड करना, ये सारे एक्टिविटी जो होते हैं वो डेटाबेस डेवलपर करते हैं। तो डेटाबेस डेवलपर को बेसिकली जो एक डेटाबेस डेवलपर का जॉब पाने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, वो आपको कोई भी डेटाबेस में नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हो, ओरेकल हो, या IBM DB2 हो, या कोई भी नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी हो, हाड़ूप हो, बिग डेटा हो। तो ये सारे डेटाबेस में जो काम करते हैं उसको डेटाबेस डेवलपर करते हैं। तो सैलरी की पैकेज की बात करेंगे तो डेटाबेस डेवलपर को जो फ्रेशर का लेवल का सैलरी होती है वो 20,000 तक, 15,000 तक, 15 से 20,000 के बीच में होती है। यदि आप सेम कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कैंपस से आप गए हैं तो आपको पैकेज ज़्यादा मिल सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे और आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे, आपका इंटरव्यू प्रोफाइल कैसा गया हो, इंटरव्यू कैसा गया हो। तो सैलरी पार्ट में 5 ईयर्स के बाद यदि आज सेम डेटाबेस डेवलपर में काम कर रहे हैं तो आपको 8 से 8 to 10 लाख का पैकेज आपको मार्केट में मिलेगी। तो डेटाबेस डेवलपर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है करियर ग्रोथ के लिए, वो आप डेटा इंजीनियर में मूव कर सकते हैं, आप एज ए डेटा एनालिस्ट में मूव कर सकते हैं, आप डेटा साइंस में मूव कर सकते हैं, आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट में मूव कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मूव कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। तो डेटाबेस डेवलपर का एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी होता है ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली ये पार्ट हो गया डेटाबेस डेवलपर का। तो डेटाबेस डेवलपर में आगे जो भी कंपनी जो कि ज़्यादा प्रिफर करती है, वो बेसिकली उस टाइप के कैंडिडेट को ज़्यादा प्रिफर करती है पैकेज देने में, जो बेसिकली बहुत सारे लार्ज डेटा में, बिग डेटा, हाडूप या नॉन रिलेशनल डेटाबेस में काम करती है। तो इस टाइप का जो ज़्यादा नॉलेज कमांड होता है, तो आपको डे बाय डे, आपको मीन्स ईयर बाय ईयर आपको पैकेज बढ़ते रहेगा। तो करियर ओवरऑल करियर अपॉर्चुनिटी डेटाबेस डेवलपर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप डेटाबेस डेवलपर के बाद कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस में आप पाइथन सीख सकते हैं, आप जो डेटाबेस डेवलपर ओनली डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो ETL टूल सीख सकते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेटिका हो गया, SSIS हो गया, या यदि आप कोई भी दूसरे फील्ड में मूव करना चाहते हैं, जैसे आप बिजनेस एनालिस्ट में मूव करना चाहते हैं, तो आपको कुछ थ्योरेटिकली डेटा एनालिसिस या प्रोजेक्ट हैंडलिंग, आप PM में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव करना चाहते हैं तो आप PMP कर सकते हैं। तो आप कोई भी फील्ड में आप डेटाबेस डेवलपर से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे तो डेटाबेस डेवलपर का एक काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है करियर बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच।